हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि टाटा टियागो की या किसी भी कार की सीट को फोल्ड कैसे किया जाता है। सो, मेरे पास है टाटा टियागो और ये एक हैचबैक गाड़ी है। हैचबैक कार को आप इस वीडियो से अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सो, आपके साथ भी कभी ना कभी समस्या आई होगी कि आप लोग दो बैठे हुए हैं गाड़ी में, लेकिन सामान के लिए जगह कम है, बूट स्पेस कम है, तो आपको अलग से कूरियर वगैरह या कुछ गाड़ी की आवश्यकता है कि आपको बाकी का सामान लेके जाना है। सो, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ सीट फोल्ड करने की, उससे आप अच्छा खासा अपना बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। सो, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो अपने दोनों दरवाजे खोल लेना है और उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी सीट में पीछे की तरफ यहाँ पर हुक दिए गए हैं, इन्हें ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे। सेम आपको इस तरफ भी खींचना है, ये मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, ये अनलॉक हो गया। और उसके बाद आपको ये जो आपके सीट बेल्ट जो निकल रहे हैं पीछे तरफ, इन्हें सीट के पीछे कर देना है और इसे कुछ इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे ऐसे ही रहने देना है, अभी इसे हम झुकाएंगे नहीं। सबसे पहले जो ये जो नीचे वाला सोफ़ा है या मेट्रेस है, इसे नीचे की तरफ से खींचेंगे ऐसा कुछ तो ये अनलॉक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर नीचे इसमें हिंज दिए गए हैं और ये कुछ इस तरीके से बढ़िया यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है सीट फोल्ड करते टाइम, आपका जो ये वाला पोर्शन है ये भी पूरा इस चीज़ में यूज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीट आएगी उसके थोड़े ऊपर से आपका जो स्पेस है वो चालू होता है इसे में, तो आपको ये वाला पोर्शन खाली रखना है, यहाँ पर कोई सामान नहीं रखना है। अगर वो आपका सामान रखा होगा उसके ऊपर आप सामान रख देंगे तो वो पूरा लॉक हो जाएगा, फिर जब आप सीट को वापस लगाएंगे वो तभी आपका सामान मिलेगा। सो, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो यहाँ का स्पेस खाली करने के बाद आपको अपनी सीट को यहाँ पर रख देना है और उसके बाद आपने अभी ये जो पोर्शन आपका अनलॉक किया था आपका बैक रेस्ट, इसे आप फिर इस तरीके से नीचे लेटा दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो एंगल है वो ऊपर की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर जब इस पर वजन आएगा तो ये आराम से सपाट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल कपड़ा है और इसके नीचे ये लोहे की रॉड्स हैं। सो, आपको कुछ ऊपर बिछाना है अच्छा मोटा सा, जिससे कि इस कपड़े को डैमेज ना हो। और जो सीट कवर्स आते हैं वो जनरली आगे की तरफ ही लगे होते हैं, तो वो आप देख लें आपके हिसाब से। बाकी अगर आप इसे डैमेज नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर कुछ बिछाएं, उसके बाद आप सामान रखें। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस हो गया है और ये जो ट्रे है इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो बूट स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसे रिमूव करने के लिए आप मतलब अंदर से ही अपने बूट को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्विच जो है आप वैसे नॉर्मली इसे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप सीट फोल्ड करने के बाद इसे भी खोल सकते हैं और उसके बाद आप ये जो आपकी पार्सल ट्रे है इसे भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना सारा स्पेस हो गया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉगी वगैरह है तो वो भी अच्छे से कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकता है। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इसी तरह के कंटेंट के लिए। बाकी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।